बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, सीएम मोहन यादव का कहना है, 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी पैरालंपिक खिलाड़ियों को देने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। एमपी से पूजा ओझा, प्राची यादव और कपिल परमार पैरालंपिक में शामिल हुए थे। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान किया गया है उन्हें पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए। सीएम मोहन यादव का कहना है, पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। आपको बता दें, 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सरकार देगी पैरालंपिक खिलाड़ियों को। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश, एमपी से पूजा ओझा, प्राची यादव और कपिल परमार शामिल हुए थे। बता दें, कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है जूडो में। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहाँ सीएम मोहन यादव ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी सरकार द्वारा पैरालंपिक खिलाड़ियों को दी जाएगी। बड़ी खबर, एमपी से पूजा ओझा, प्राची यादव और कपिल परमार पैरालंपिक में शामिल हुए थे। आपको बता दें, इस बार पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 मेडल जीते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, इन खिलाड़ी पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी तीनों खिलाड़ियों को, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे जो पैरालंपिक में शामिल हुए थे, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 1-1 करोड़ रुपये से सम्मान निधि देगी। आपको बता दें, एमपी से पूजा ओझा, प्राची यादव और कपिल परमार शामिल हुए थे।